जूतों में से भी सैंड स्टॉर्म निकल रहा है। काम करते करते इतना बिजी हो गया, अपने लिए टाइम ही नहीं मिला आज। पर वैसे भी संडे है, जबकि मिलना चाहिए पर नहीं मिलता, मैंने बता दिया। बहुत बिजी होता है मेरा संडे तो, एटलीस्ट मेरा भी और पापा का भी। तो अब क्या 4:30 से भी ऊपर हो गया टाइम, अब फिर ज़बरदस्ती मेरे को घूमने ही जाना पड़ेगा। आज मेरा खेलने का मन था पर मैं लेट ही इतना हो चुका हूँ कि कोई स्पेस नहीं मिलेगा अभी खेलने के लिए, वहाँ साइड बैठ के देखना ही पड़ेगा। तो देखने से अच्छा मैं चल कहीं घूमने चला जाता हूँ। अब घूमने का एज ऑलवेज और हर रोज़ की तरह मुझे नहीं पता मैं कहाँ जाऊँगा, क्योंकि जगह ही नहीं है यार, मैं कहाँ जाऊँ। ऐसी कोई भी रैंडम स्ट्रीट होती है, कोई भी रैंडम खेत होता है, वहाँ पर घुस जाता हूँ। अभी भी वही करूँगा पर देखता हूँ कौन से वाले में जाऊँगा। आज हो गई है दिल्ली मेरे हिसाब से, तो मेरे को तो लग रही है, लटकी भी लग रही है इस एंगल से तो, और इस एंगल से भी। अब तुम सोचोगे मैं चेन देखने के लिए क्या स्पेशली उतरा, नहीं मैं जूते बांध रहा था, अपने ढीले हो गए थे। पर मेरी पुरानी वाली चेन में ना यहाँ पर गैप आ गए थे बहुत ज़्यादा, मतलब आर पार दिखता था इसमें से। अभी तो नहीं है पर चेन लटक गई है, मतलब ऊपर से ऐसे होगी है नीचे, और नीचे से भी थोड़ी और ऐसी होगी है, मतलब ऐसे ऐसी बन गया। तो टाइट करवाने का टाइम आ गया, इसको टाइट करवाऊँगा। कोई पता नहीं है उतर जाए, नवी है पर फिर भी उतर तो सकती है, क्योंकि ढीली चेन तो ढीली चेन ही रहेगी, उससे कोई थोड़ी का फर्क पड़ जाएगा। आज नहीं लगता टाइम मिलेगा मेरे को, मौका मिलेगा मतलब सॉरी निकलने का। ये भी फुल स्पीड से आ रहा है, उधर भी आ रहा है कोई स्पीड से, नहीं 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 यही मौका है। अरे ये मौका नहीं देंगे भाई, पूरी स्ट्रीक आ रही है वहाँ से गाड़ियों की, और इतने में ही अंकल भी पहुँच जाएंगे अपने टेम्पो पे। मैं साइकिल पे हूँ, अगर बाइक बुक करता था तो निकाल ही लेता, यानी मतलब नॉर्मल सी चीज़ है, पर ये नॉर्मल चीज़ नहीं है। इतने ट्रैफिक में साइकिल को ऐसे बीच में से चीरते हुए ले जाना, वो बेवकूफ़ी है भाई, को टक्का टुक्कर मार चढ़ा था। और मिला कितना रूम? कोई भी नहीं, और कोई भी नहीं तब जाके मिला रूम, नहीं तो भाई मैं तो खड़ा था बहुत देर से यहाँ पे। इस रोड से आया था, इस रोड पर बहुत बार गया हूँ और इस पर कभी भी नहीं गया हूँ, तो इस पर जाके देखूँगा। वहाँ पे गुल्ली डंडा खेल रहे हैं, पर यार खेलने का कोई मूड नहीं है, थकान सी हो गई आज तो, सारा दिन से दौड़ ही रहा हूँ। कार्डियो मेंटल वाला हो गया, फिजिकल वाला कार्डियो नहीं किया, मेंटल वाला कार्डियो कर लिया, बहुत ज़्यादा चल फिर लिए हैं, मतलब काम घूम कर लिया। अब मेरे को नहीं पता ये रास्ता कहाँ जाता है, पर देखाता हूँ कहाँ जाता है, थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाएगा मेरा भी और तुम्हारा भी। अबे स्पीड ब्रेकर बहुत सही थे भाई, ये बहुत मज़ा आया, काश इसके ऊपर मेरी चेन टाइट होती ना, दड़ 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 करके लेके जाता। ए ए ए ए शुड आई टेक अ लेफ्ट, शुड आई टेक अ राइट, राइट तो नहीं लेफ्ट ही लेते हैं, लेफ्ट मैंने कभी रास्ता एक्सप्लोर नहीं किया, लेफ्ट सही चॉइस है मेरे हिसाब से तो। बाकी कुछ कह नहीं सकता कि लेफ्ट पर क्या मिलेगा, कच्चा रास्ता ही है मेरे हिसाब से तो, वैसे बस वापस आने का भी रास्ता मिल जाए और तो कोई दिक्कत नहीं है। ये स्ट्रेट रास्ता ही जा रहा है, वहाँ पर एक राइट में भी रास्ता था, वहाँ पर मैं शायद गया हूँ, मेरे को याद नहीं आ रहा, पर ये वाला भी कम एडवेंचरस नहीं है, यहाँ पर ऑफ रोड वाली गड्डी। और ओए नेवले तोते भी हैं यहाँ, नेवले भी, ओ दौड़ गया नेवला दौड़ गया भाई, सांप भी होंगे फिर तो यहाँ पे पक्के, है नी जितने दिन दहाड़े घूम रहे हैं नेवले यहाँ पे एकदम सड़क के बीच में आके खड़े हो गए, सांप भी बीच में आधा होगा फिर, एक आधा यहीं पे खड़ा खुड़ा। बाकी कुछ कह नहीं सकते, देखा जाएगा तो उसके साथ भी रिकॉर्ड कर लेंगे। एक्सक्यूज मी सर मैम रास्ता कहाँ जाता है? राइट। अच्छी ये तो मांस खाने में लगा हुआ है, किससे पूछ लिया मैंने भी, खाते हुए बंदे को डिस्टर्ब कर रहा हूँ, अभी तो बिल्कुल नहीं जवाब देगा वो भाई। जितने खड्डे हैं ना यहाँ पे, स्टेज वन ऑफ रोड ट्रैक तो आराम से बन सकता है ये, मतलब जिसने नई नई गड्डी ली हो और जिसका बहुत ही ज़्यादा मन मचल रहा हो कोई ऑफ रोड वाली जगह मिल जाए करने को, यहाँ पर ज़रूर आए भाई। मैं रास्ता तुम्हें दिखा दूंगा, दिखाई दिया यार वैसे तो, दिखाने को क्या रह गया रास्ता, जो उनसे यहाँ पे रहते हैं उन्हें तो पता ही होगा ये वाला एरिया, बेशक आते कम होंगे बट स्टिल थोड़ा बहुत तो पता ही होगा, मुझे कौन सा पता था, मैं भी तो ऐसे ही आ गया, तो तुम भी ऐसे ही आ सकते हो, मतलब फिर साइकिल पे आऊँ, तुम्हारे पे तो ऑफ रोड गड्डी होगी उस पर आ जाना तुम, एकदम मस्त मज़ा आएगा भाई इधर, और पूरा आगे तक जाएँ तो पता नहीं कहाँ जाता होगा ये रास्ता, उस टाइम किसी से अगर कोई बता दे, मेरे को तो आइडिया नहीं है भाई। रास्ता कहाँ जाएगा सीधा, ये सीधा रास्ता कहाँ जाएगा, ये मेन रोड पे निकल जाएगा ना, अच्छा राइट होना वहाँ से, ठीक है, हाँ ठीक है भाई, थैंक यू। अरे लीची के बाग भी हैं, लीची के बाग है, मुझे नहीं पता किस चीज़ के बाग है, पर ये बाग तो है, आया हूँ मैं यार इस एरिया में शायद, मुझे पक्का याद नहीं है,
पर भाई बता रहा है कि निकल जाएगा रास्ता, तो निकल जाएगा, तो निकल जाएगा, फिर चलते हैं। फिर तो बहुत लोगों को पता भी होगा यहाँ पे, जिस अम्बाला रोड कह रहा है ना भाई, काफी को पता होगा फिर तो ये रास्ता। बाकी आई डोंट नो। होय 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 होय, ये तो कल वाले बाग की तरह हो गया भाई, इतना मस्त बना हुआ है सीन यहाँ पे, और अंदर जाके मस्त फोटो भी खींच सकते हैं। पर अभी कल ही तो खींच के आया हूँ, क्या करूँगा आज दोबारा जाके। ओहो आया हूँ भाई, मैं आया हूँ इस रोड पर आया हूँ, मेरे को याद आ रहा है अब, बड़े दिन नहीं, हाँ काफ़ी टाइम हो गया, मेरे ख्याल 3 साल पहले आया था इस रोड पर। नो डाउट यहाँ पर भी बाग अच्छा है, पर कल वाले की जो सिंक्रोनाइजेशन थी वो तो बहुत ज़बरदस्त थी, छोटा भी था मेरे ख्याल, बड़े बाग में सिंक्रोनाइज करना मुश्किल है, ये वाला उससे बड़ा है शायद से, ये मेरे ख्याल उतना ही होगा, मतलब उस वाले बाग का तो मैं लग रहा था यार, पता नहीं किसी प्रोफेशनल ने जैसे पेड़ लगाए होंगे उसमें, और पेड़ उस उगे भी उस प्रोफेशनल के कमांड पर ही है कि तुमने लाइन एक के पीछे मतलब एक ही उगना, ऐसे नहीं कि ऑल ओवर द प्लेस उग जाओ तुम, जैसे कि ये थोड़े बहुत लग रहे हैं, ये भी खैर काफ़ी हद तक सिंक्रोनाइज्ड है, मेरे ख्याल ये एरिया बहुत बड़ा है ना, तो करके मेरे को लग रहा है कि ऐसे ऐसे फैले हुए हैं, पर शायद सिंक्रोनाइज्ड हैं ये भी। बड़ी चीखे मार रहे हैं भाई वहाँ पे, क्या चल रहा है, ओए साइकिल चेन मत उतर जाइए भाई, पर एक्साइटिंग बहुत लग रहा है जिस हिसाब से खुश हो रहे हैं वहाँ पे लोग, देख के तो क्या है। ओ क्रिकेट चल रही है यहाँ, पिच तो बहुत खुली है भाई, मुझे नहीं पता था यहाँ पर भी कोई खेलता होगा, एक और ग्राउंड मिल गया हमें खेलने के लिए, वाह। ओहो यहाँ से कैसे उतारे, उतर गई यार, उतर बहुत बंदे खेल रहे भाई, मस्त है पर पता नहीं किस टाइम आते होंगे खेलने, बहुत सारे बंदे हैं भाई, कब आते हो खेलने, संडे संडे कितने बजे, सुबह 9 बजे से खेल रहे हो अभी तक और कितने बंदे, ओए भाई आ सकते हैं अगले संडे अगर मैं आ जाऊं तो एडजस्ट हो जाऊंगा या कुछ और खेलते हो, ठीक है भाई ठीक है भाई, कितने बंदे खेल रहे हैं यहाँ तो, वर्थ है भैया ना, मतलब मैं तो सोचता था सिर्फ तेजली वगैरह में ही होती होगी क्रिकेट, इधर भी चल रही है भाई को, तो ये प्लेस कितनी स्पूकी लगेगी ना, मतलब कितनी डरावनी, पेड़ खाली बिना मतलब बिना पत्तियों के, और ऐसे ऐसे गिरे हुए हैं साइडों में, मतलब ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे ऊपर गिरने नहीं वाले मतलब कि तुम्हारे को चेज करेंगे, ये पकड़ेंगे तुम्हारे को, ऊपर से डालियाँ लंबी हो जाएंगी और नीचे से मतलब ऐसे कैसे समझाओ यार, मेरे को एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा, मतलब ऊपर से डालियाँ लंबी हो जाएंगी और ऊपर से ही तुम्हें उठा लेंगी, अभी भी नहीं आया एक्सप्लेन करना, डालियाँ ऊपर हैं उनकी लेंथ अपने आप बढ़ेगी और तुम नीचे चल रहे होगे तो ऊपर से एक बहुत लंबी डाली होती हुई आएगी और तुम्हें उठा के ले जाएगी, अब शायद समझ आ गया होगा, पर एक्सप्लेन मैं अभी भी नहीं कर पाया सही से, सोचा था उसी रास्ते से वापस जाऊँगा, हिम्मत ही नहीं हुई, मगर कौन जाएगा यार वापस, छोड़ ना मेन रोड से चलते हैं, मज़ा आएगा स्मूथ साइकिल चलाने में, तभी थोड़ा वैसा वाला मन भी है ना कि नई नई चेन डलवाई है तो थोड़े प्यार से चला रहा हूँ, कि अभी तो डलवाई थी थोड़े दिन पहले, अभी उतर जाएगी तो क्या मज़ा आएगा, मतलब होगा तो कुछ नहीं, बस मेंटली वो दिमाग में चल रहा होता ना, नई नई चीज़ ली है तो ख़राब नहीं करनी, अभी करेंगे वो भी करेंगे टाइम आने पर करेंगे, पर अभी नहीं है मैंने।